For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. दोस्तों, मैं म्यूजिक डायरेक्टर जतिन पंडित हूं और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा. प्लीज एंजॉय. जतिन पंडित एक ऐसा नाम है जिसे शायद किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 90s के दौर को सबसे ज्यादा इन्हीं ने आइकॉनिक सॉन्ग्स दिए हैं. सो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी हमारे मूवीज अड्डा चैनल में. थैंक यू सो मच. सर, आपके इंट्रोडक्शन के लिए वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास, बिकॉज किसी को भी ये बताने की जरूरत नहीं है कि आज तक भी हम जो गाने सुन रहे हैं वो आप ही से हमें मिले. अगेन थैंक यू सो मच. ये आप लोगों का प्यार है, सुनने वालों का प्यार है कि वो गाने जितने पुराने हो रहे हैं उतना जैसे वाइन मैच्योर होती है उसमें टेस्ट और फ्लेवर बढ़ता है, उसकी बहक और बढ़ती है, उस तरह से वो गाने होते जा रहे हैं. मुझे खुद समझ में नहीं आता कि वो जब गाने बने थे तो इतने लंबे सफ़र के बाद वो इतने ज़्यादा ताज़े होंगे, ये मैं जानता नहीं था. सर, आजकल जैसे यू नो 90s के दौर के गानों को ही बार बार रिक्रिएट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब के म्यूज़िक में शायद वो बात नहीं रही, क्योंकि लोग वही गाने सुनना चाहते हैं पर अलग अंदाज में? देखिए, ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता कि बात नहीं रही. अभी ऐसा है कि म्यूज़िक ही नहीं बदला है बल्कि हमारी फिल्म मेकिंग का तरीका बदल गया है, करेक्टर के अप्रोच बदल गए हैं, डायलॉग्स के फॉर्मेट बदल गए हैं. तो उस बदलाव तो एक ज़िंदगी का फैक्ट है. हर 5 साल में चीज़ें बदलती हैं और बदलाव के साथ चलते रहना ही कामयाबी है और वही ज़िंदगी है. अब मैं ये समझ के बैठ जाऊँ नहीं भाई हमने जो बना दिया वही सही था और अब जो हो रहा है गलत हो रहा है, ये नहीं है ऐसा. लेकिन हाँ, ऐसा है कि वो वक्त ऐसा था कि लोग फिल्म का म्यूज़िक जो रहता था वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे कि फिल्म में म्यूज़िक बहुत अच्छा हो ताकि फिल्म चले. अब फिल्म के म्यूज़िक से लोग चलाने की बात नहीं रही है. अब फिल्म का म्यूज़िक जो है एक एलिमेंट है हमारा. म्यूज़िक जैसे चाइनीज़ फिल्म में कराटे है वैसे हमारे फिल्मों में म्यूज़िक है, तो वो म्यूज़िक डालने के लिए डालते हैं. पहले ऐसा था कि फिल्म को चलाएगा म्यूज़िक, वो एस्पेक्ट बदल गया है. सर, ऑफकोर्स जैसे राहुल का भी एक नया सॉन्ग आया है, आपके बेटे ने फाइनली इंडस्ट्री में कदम रखा है और गाना लोगों को यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, बहुत व्यूज़ मिल रहे हैं गाने को. सो आपको कैसा लगा गाना? मैं देखिए ऐसा है कि जब वो गाना बन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कोई ब्लैंड है आज के मॉडर्न का, और उसमें एक ऑथेंटिक मेलोडी का भी एक उसमें टेस्ट है. तो मैं कुछ बोला ही नहीं, मैं बोला इसको करने दो, ये अपना काम कर रहा है. जब इसने अकेला ही गया, ये अकेला प्रोग्रामिंग करवाया इसने और गाना भी अकेला ही बैठ के लिखाया, जबकि मेरा तजुर्बा जो है लिखाई में बहुत ज़्यादा है. लेकिन मैंने बोला कि देखो ऐसा है कि जितना तपता है सोना उतना आता है निखार. तो मैं बोला इसको सीखने दो, ये अपने आप टकराएगा लोगों से, अपनी बात रखेगा, फिर अपने हिसाब से लगाएगा, तो इसको सीखने का मौका मिलेगा. मैंने कुछ नहीं इसमें इसको मतलब खाली ये बोला अच्छा लग रहा है, या मैं बोला कि अगर इसको बदल सकते तो बदल दो, इससे ज़्यादा मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. और यहाँ तक कि जब पिक्चराइज भी करने की बात हुई तो ये अकेला ही जी के ऑफिस गया, फिर उसने उसको गाना सुनाया, उनको पसंद आ गया, हम लोग भी ने फिर इसका साथ दिया, एक दिन में इसने शूटिंग की और गाना आज की डेट में बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, जिस जहाँ जहाँ जा रहा है. मुझे अपनी पिक्चर के लिए इतने मैसेजेस नहीं आए जितने इसके गाने के लिए आए. सर, ऑफकोर्स यू नो जब बाप को बेटे के नाम से जाना जाए तो वो प्राउड फीलिंग एक अलग ही लेवल की होती है. बात बोली आपने, ये तो मैं बस ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे लोग ये बोलें कि भाई ये जो है ये जतिन पंडित राहुल पंडित के बाप है. सर, गाना इतना अच्छा है और उनकी आवाज़ इतनी सूदिंग है कि ये डेफिनेटली होगा. लेकिन सर, जिस तरह उनका गाना वायरल हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है, तो मैं एक बार यू नो उस गाने को आपकी आवाज़ में ज़रूर सुनना चाहूँगी, क्योंकि ये ऑडियंस के लिए डेफिनेटली एक ट्रीट होगा. आपको फिर ये गाना पुराना लगने लगेगा. नहीं, हमें अच्छा लगेगा आपकी आवाज़ में. आँखों के इशारे समझता हूँ मैं सारे, ये मुझसे कह रहे हैं मैं कर लूँ गलतियाँ. आँखों के इशारे समझता हूँ मैं सारे, ये मुझसे कह रहे हैं मैं कर लूँ गलतियाँ. नशे में शरीफी के आँख बातों से काम लेना तो
बड़ा मुश्किल है आंखों के इशारे, समझता हूँ मैं सारे, ये मुझसे कह रहे हैं मैं कर लूँ गलतियाँ। वाओ, ये गाना बहुत 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 अच्छा लग रहा है सर, आपकी आवाज़ में भी, और सुन के वाकई गूज़बम्स आ गए। पर ऐसा कभी हो सकता है न्यू फ्यूचर में कि हम आपको और राहुल को एक साथ देखें? क्यों नहीं, ज़रूर होना चाहिए। मैं भी कोशिश करूँगा कि अब मेरे जो कंपोज किए हुए गाने हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, मैं उनको राहुल की आवाज़ में रिकॉर्ड करूँ और फिर शूट करूँ। शूट तो कंपनी वाले करेंगे, तो इस तरह से मेरे दिमाग में है। अभी अच्छा एक दौर चल रहा है सिंगल्स का, लोग अच्छे गानों को पसंद करते हैं और कंपनी वाले जी वाले राहुल का साथ दे रहे हैं, तो हम लोग 100% मैं इस पर। और मुझे ऐसे क्रिएटिविटी का मुझे शौक़ है कि विजुअल्स सोचना, वो गाने को किस तरह शक्ल देना, उसमें क्या एलिमेंट्स डालना, ये मेरा दिमाग इसमें चलता है कभी कभी, तो मैं वो एलिमेंट्स डालूंगा। क्योंकि फुल लेंथ पिक्चर बनाना तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन एक गाना तो अगर एक दिन में शूट कर सकते हैं तो मैं 2 दिन में करूंगा। सर थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। लास्टली जाते जाते अपने फैंस और व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? दोस्तों अच्छा म्यूज़िक सुनिए। मेरा बेटा जो है वो, उसका सिंगल निकला है आंखों के इशारे जी के साथ, आप लोग प्लीज़ उसको शेयर करिए, सुनिए और फीडबैक दीजिए आपको जैसा लगता है। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। गॉड ब्लेस यू, सब लोगों को मेरा आशीर्वाद है एंड मेरे बड़ों को नमस्कार है और थैंक यू सो मच।